500 साल कम नहीं होते इंतजार का। सदियों का इंतजार खत्म हुआ है आज उन लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जो आज ये दिन आया है। कितनी खुशी हो रही है आज के दिन? बहुत खुशी हो रही है। जय श्री राम। क्या कहना चाहिएगा आज बहुत ही खास? अब जैसे कि आपको पता ही है कि 500 सालों बाद ये आया है और बहुत ही अच्छा दिन है हम सब के लिए। तो कंपनी ने किया है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सुकून मिल रहा है कि इतने लोगों ने बलिदान दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे को ये मतलब इतने दिनों बाद मिला और हमारे को ये देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बच्चे आएंगे कि उनको पता लगे कि हमारे पापा ने ऐसा देखा है तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बहुत ही बढ़िया, यानी कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप ताला खुलवाता है, अब बेटा जाता है नमाज पढ़ने, तो क्या कीजिएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज पूरा देश भगवामय हो गया है। आज 84 सेकंड का जो वो शुभ मुहूर्त था उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की और इसके बाद कई जगह भंडारे का आयोजन किया गया है जहां पे राम भक्त बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और भंडारे का लुफ्त उठा रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। इस दौरान हम एक भंडारे के पास मौजूद हैं और यहाँ पे राम भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज इस ऐतिहासिक दिन को ये किस तरीके से देखते हैं और कितनी खुशी देखने को मिल रही है। आज भंडारा का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। उनसे एक एक कर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की खुशी इन लोगों में देखने को मिल रही है और कितना बेसब्री से इंतजार है भगवान के प्रसाद का। आज राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। हम बहुत खुश हैं इस अवसर पे जो कि राम लल्ला की स्थापना हो रही है मंदिर में, और 500 साल का जो वो था ब्रेक वो खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो शर्मा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लिफ्ट उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भंडारे का खाना भी मौजूद है और ये लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है आज के दिन? बहुत खुशी हो रही है। जय श्री राम। आज के ऐतिहासिक दिन को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत 500 सालों की पुरानी लड़ाई है जो कि आज जाके समाप्त हुई है और ये सबसे आनंदित है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप किस तरीके से देखते हैं आज के दिन? ये मान लो दूसरी दिवाली मन गई है हमारी। हाँ। जी, दूसरी दिवाली मन गई है। आप दिवाली मान लो, कोई रामनवमी मान लो, कुछ भी मान लो, आप बहुत खुशी है हमें। चाचा, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन? ये तो कलयुग की सबसे बड़ी दिवाली और रामनवमी है, जो द्वापर त्रेता में जो हुआ था उसके बाद समझिए कि दूसरा तीसरा स्थान इसी का है। यही है कलयुग की सबसे बड़ी दिवाली है। एक लंबा इंतजार जो था वो पूरा हो गया है, बहुत लोगों में बेसब्री देखने को मिल रही थी। आज कहा जा रहा है कि बरसों का जो सपना है वो साकार हुआ है, तो कैसा लग रहा है? इंतजार कौन करवाया? अपने लोगों ने इंतजार करवाया। इंतजार दूसरा कौन करवाया? अपना ही आदमी ने करवाया इंतजार। बाप ताला खुलवाता है, अब बेटा जाता है नमाज पढ़ने, तो क्या कीजिएगा। बिल्कुल, कांग्रेस जो है इसके खिलाफ बोलवाया था सर, वो अपने बाप के भी बताते। राजीव गांधी झूठा है कि राहुल गांधी सही है? राजीव गांधी ताला खुलवाया था। राजीव गांधी, राहुल गांधी तो अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो वही देखते हैं। राजीव गांधी अपराध किया होगा ताला खुलवा कर मंदिर का, अपराधी काम राजीव गांधी किया होगा। बात बोलते सार्वजनिक रूप से मंच पे कि राजीव गांधी ने गलत किया, अपने बाप के बारे में बता दे। तो देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज के। तो इस वक्त हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो इस भंडारे का आयोजन किए हुए हैं और देखिए बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं यहाँ पे पहुंचे हुए प्रसाद ग्रहण करने। क्या कहना चाहिएगा आज बहुत ही खास? अब जैसे कि आपको पता ही है कि 500 सालों बाद ये आया है और बहुत ही अच्छा दिन है हम सब के लिए। तो कंपनी ने किया है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सुकून मिल रहा है कि इतने लोगों ने बलिदान दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे को ये मतलब इतने दिनों बाद मिला और हमारे को ये देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बच्चे आएंगे कि उनको पता लगे कि हमारे पापा ने ऐसा देखा है तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बहुत अच्छा, पूरा देश भगवामय हो गया है, क्या कहना चाहिए? ऐसे ही रहना भी चाहिए हमेशा। यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी खुशी महसूस? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज के दिन को लेकर कुछ कहना चाहिए? कोई खास संदेश जो देना चाहती हो?
नहीं, मैं बस जय श्री राम बोलूंगी। देखिए यहाँ पे एक और है जो परोस रही है प्रसाद भक्तों को, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये पुण्य काम करके इनको कितनी खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। बाकी राम राज आ ही गया है, बस जय श्री राम। आज के दिन को लेकर कुछ खास मैसेज देना चाहिए? बस मैसेज यही है कि राम राज्य की स्थापना हो गई है, इससे बड़ा और क्या ही मैसेज हो सकता है लोगों में। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या सोचना है आज के दिन को लेकर, और कितनी खुशी उनमें देखने को मिल रही है। कितनी खुशी हो रही है आज? नहीं, बहुत खुशी है, बहुत हैप्पी है। इतने सालों बाद राम जी का मंदिर फिर वापस बना है। वी आर वेलकमिंग देम विद हार्ट ओपन हार्ट। आज एक लंबा जो वक्त था, एक बेसब्री जो थी वो खत्म हो गई है, इंतज़ार खत्म हो गया है, क्या कहना चाहिए? एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, सदियों का इंतज़ार खत्म हुआ है आज हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जो आज ये दिन आया है। इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? मोदी जी को देते? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही है। अब देखिए जिसको करना है करेगा, कराया तो उन्होंने ही है। मानते हैं कि जो भी हुआ ये मोदी जी की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है वो पीएम मोदी को इसका क्रेडिट देते जा रहे हैं, और सबके जुबान से एक ही चीज निकल रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं और कितनी भव्य जो है तैयारी उनके तरफ से आज को लेकर की गई थी। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी राम भक्त मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं, ऐतिहासिक दिन है। मैम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, तभी हम लोगों ने ऑफिस में सबने मिलके ये भंडारा कराया ताकि सब लोगों को, एक जरूरतमंदों को भी खाना मिल पाए, और बस यही है कि सब अच्छा रहे। आप किस तरीके से देखते हैं आज को दिन को, कितनी ज़्यादा खुशी हो? ये बहुत वर्षों का इंतज़ार था जो आज शायद सफल हुआ किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी हो, लेकिन आज हर किसी के लिए रामराज्य का एक अच्छा मौका मिला है हमारे आंखों से जो है इन चीज़ों को देखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो थे ज़रूर, लेकिन इस दिन के से पहले ही वो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज ये संभव हुआ और हमारी आंखों के सामने हुआ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरा देश भगवामय हो गया, इस पर क्या कहना चाहिए? भगवामय तो बहुत पहले ही हो गया, बच्चा जय श्री राम बोल, भगवामय तो बहुत पहले ही हो गया था, आज वो दोबारा से लोगों में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के मेंबर हो, लेकिन आज वो भगवा हर उनके दिल से खून खून से जो है निकल रहा है। कहते नहीं, हर शब्द आज भगवा के साथ ही जुड़ा हुआ है, और भगवान राम के साथ अगर मैं बात करूं तो भगवान राम ने बहुत सारे त्याग किए थे, तब जाके आज हम ये समय को देख पा रहे हैं, तो उसको दोबारा से दोहराया जा रहा है। 500 साल कम नहीं होते इंतज़ार का, हमने तो नहीं, कम से कम हमारे पूर्वजों ने तो ज़रूर जो है इस चीज़ को त्याग किया था, तभी हम इस चीज़ को संपन्न कर पा रहे हैं, और उसमें आप भी बहुत योगदान दे रहे हो कि जगह जगह से आप कवर कर रहे हो, तो इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि चीज़ों जो नहीं जानते होंगे, किसी भी एज ग्रुप के होंगे, जिनके पास टीवी या जैसे संसाधनों का नहीं होंगे, कम से कम आज आपके इस मौके के थ्रू वो भी जान पाएंगे। हाँ, घर में महिलाएं किस तरीके से मना रही हैं आज के दिन? हमने तो दिवाली का प्रोग्राम रखा है, लाइक अगर मैं बोलूँ तो वही थीम, लाइक पूजा पाठ और दीपदान और सुंदरकांड का एक अच्छा आयोजन ऑफिस में भी चल रहा है, और घर परिवार कॉलोनी में भी चल रहा है, सब शाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे शाम होगी और दीप की ज्योति जलाएंगे और भगवान को वापस से बुलाएंगे अपने घर में। आपके घर में किस तरीके का माहौल? मैम अभी वाइफ से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही करा है कि पूरा मंदिर वंदिर सजाया घर में, सुबह से भजन ही चल रहे हैं घर में, और शाम को वही दिवाली का प्लान है, दीपक विपक जलाएंगे, वही सब तैयारी हमारी। सब बच्चों में खासा उत्साह देखा गया है, बच्चे भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप, उन्हें नहीं मतलब है, उन्हें नहीं पता कि कलर क्या कहता है या फिर झंडे का क्या मतलब होता है, लेकिन सर के बच्चे को है कि वो पिछले कई दिनों से जो है मुझे फ्लैग लगाना है गाड़ी, उसको मतलब नहीं पता उस फ्लैग का, लेकिन उसको ये जरूर है कि मैं इस क्रेज जो है एनर्जी में अपने आप को भी कैसे देखूँ, और वो शायद बच्चे की वजह से हमें भी उस खुशी में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, तो उस तरीके से भी हमें बहुत अच्छा। आज के टाइम पे झंडे का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता होगा कि कितने कोने होते हैं और कितने तरीके होते हैं, लेकिन हाँ कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो है दो कोने तीन कोने जितने भी दिख रहे हैं उनको झंडे हाथ में होना चाहिए, वो किस तरीके का है, किस रंग का है, क्या लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, वो भगवा में होना चाहिए, बस वही है। 500 सालों का इंतज़ार खत्म हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, यानी कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है? घर पे इट्स लाइक अनदर दिवाली,
तो वैसे हमने लाइट्स वगैरह सब उतरवा दी थी, तो हमने दोबारा लाइटिंग वगैरह और श्री राम जी के झंडे और जो पूजा घर से आज से होके निकली थी, तो डेफिनेटली ऐतिहासिक दिन तो रहेगा, ये सबको याद रहेगा। हम इसलिए लकी हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने देखा है और बहुत लोग ऑलरेडी इसमें अपनी लाइफ खो चुके हैं, तो वी फील आर सपना था। बिल्कुल डेफिनेटली सपना था जो मेरे दादाजी ने भी देखा था और मेरे पापा जी भी यही बात करते आ रहे हैं, तो आज का दिन तो एब्सोल्युटली ऐतिहासिक दिन है। आज ऐतिहासिक दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, जय श्री राम। नहीं, एक वर्ड बोलने से काम नहीं चलेगा। और इस खास दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या संदेश देना? उत्साह पूर्वक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इसको, बहुत ही ज्यादा, और इतना एक्साइटेड है कि बता नहीं सकते कुछ। तो इस वक्त हम यहाँ भंडारे में मौजूद थे जहाँ हमने राम भक्तों से बातचीत की, आज ऐतिहासिक दिन का चर्चा भी किया और ये जानने की कोशिश की कि उनके घर में किस तरीके से आज के दिन को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबने यही कहा कि आज जो है वो दूसरी दीपावली है और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, बहुत ज़्यादा खुशी है और बच्चा बच्चा जो इस भगवा का मतलब भी नहीं जानता है उसके तरफ से भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो भी भगवा झंडा लेके लहरा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी, नमस्कार।